हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी एक्स डिवाइस के रियलमी यूआई के टॉप न्यू फीचर्स एंड हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो रियलमी एक्स डिवाइस में रियलमी यूआई के अपडेट के साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलमी एक्स डिवाइस के रियलमी यूआई के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एंड ये फीचर्स आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो यार, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक टारगेट है 1000 का, आई होप आप जरूर से कंप्लीट करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि रियलमी एक्स डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, अगर बात करी जाए चेंजेस एंड फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। एंड इसकी जो एनिमेशन है उसमें भी यहाँ पर कुछ चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो जल्दी से चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट फोन में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस नेम है रियलमी एक्स, एंड्रॉयड वर्जन आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट 10, और 5 फरवरी 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड एंड्रॉयड 10 के साथ काफ़ी सारे नए फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। रियलमी यूआई वर्जन आपको मिलता है 1.0। एंड गाइस, आपको सेटिंग्स में फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड के अंदर कुछ न्यू फिंगरप्रिंट की एनिमेशंस प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नई नई फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो एनिमेशंस है वो यहाँ पर फाइनली प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये चेंज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट फीचर गाइस आपको मिलता है सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले का फीचर फाइनली रियलमी एक्स डिवाइस के लिए एनेबल कर दिया गया है। जैसे आप क्लॉक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल के अंदर आपको डिफरेंट क्लॉक स्टाइल देखने को मिलते हैं। एनालॉग में भी आपको डिफरेंट यहाँ पर क्लॉक स्टाइल मिल जाते हैं। तो इस पर क्लिक करके मैं सेव करता हूँ। एंड अभी गाइस यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमने सेट किया था वही यहाँ पर क्लॉक स्टाइल लग चुका है। तो ऐसे गाइस आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले के फीचर को अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पर 15 से 20 डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल देखने को मिलते हैं। और गाइस एक फीचर आपको मिलता है मंत्रा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एंटर पर्सनल के अंदर तो डेयर टू लीप यहाँ पर मेंशन है, आप इसका कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सेव करना है। एंड अभी अगर आप लॉक स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर आपको कलरफुल डिज़ाइन में जो भी आप लिखेंगे वही आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चेंज आपको मिलता है ऐप ड्रॉअर में। आप ऐप ड्रॉअर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको रियलमी यूआई के अपडेट के साथ देखने को मिलेगी। और गाइज अगर आपको ये वाला वॉलपेपर पसंद आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं आपको ये पर्सनली सेंड कर दूंगा। और गाइज यहाँ पर आपको इस अपडेट के साथ जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो पूरा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पहले आपको ऊपर मिलता था लेकिन अभी आपको मिड में मिलेगा। एंड यहाँ पर टाइम फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा सा आपको यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर मिल जाएगी। एंड इसके नीचे वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और गाइज यहाँ पर कुछ नए टॉगल्स ऐड किए गए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डार्क मोड का जो टॉगल है उसकी एनिमेशन गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो डार्क मोड को ऑन ऑफ करने की जो एनिमेशन है कुछ ऐसी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड्स का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, स्टैंडर्ड, फोकस एंड ड्राइविंग मोड। तो स्टैंडर्ड मोड अभी हम यूज़ करें। जैसे आप फोकस मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट से लेके 180 मिनट तक अवेलेबल है, मतलब आप 3 घंटे तक फोकस मोड को अनेबल कर सकते हैं। लेकिन गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने फोकस मोड एक बार ही अनेबल कर दिया, जितना टाइम आप यहाँ पर सेट करते हैं उसके बाद स्टार्ट कर दिया, तो आप बीच में यहाँ पर इसे ऑफ नहीं कर सकते। तो सोच समझ कर फोकस मोड को ऑन करना, क्योंकि बीच में आपका फोकस मोड यहाँ पर ऑफ नहीं होगा। फोकस मोड में जाने के बाद आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है सारी यहाँ पर हाइड हो जाएगी। ओनली आप यहाँ पर कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, टाइम वगैरह देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी आप फोकस मोड में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, ज़्यादा आपके डिवाइस को यूज़ करते हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए, तो आप फोकस मोड को यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर ये आपको मिलता है। और गाइस जैसे आप पेंसिल के निशान पर यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे और भी डिफरेंट टॉगल्स देखने को मिल जाएंगे। रियलमी शेयर भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप रियलमी शेयर पर क्लिक करके रखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो अगर आपके पास शाओमी, वीवो, ओप्पो के डिवाइसेज हैं तो आप रियलमी के डिवाइस के फुल डाटा को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर इट की तरह ये यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट गाइस आप देख सकते हैं जो आपका स्मार्ट असिस्टेंट है कुछ ऐसा यहाँ पर आपको रियलमी यूआई के अपडेट के साथ देखने को मिलेगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको ये मिल जाएगा एंड यहाँ पर मैच कार्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ पर डिफरेंट टीम्स को ऐड कर सकते हैं। और गाइस जो स्मार्ट स्लाइड बार है आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिल जाएगा, एडिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी एप्लीकेशंस आपकी आ जाएगी एंड इनको आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप टू फिंगर से पिंच इन करेंगे तो वॉलपेपर्स के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट वॉलपेपर्स यहां पर अवेलेबल है, तो इन्हें आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं। और गाइस यहां पर लाइव वॉलपेपर भी ऐड हो चुके हैं, लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, रात के टाइम में ऐसा हो जाएगा, दिन में लाइट ये हो जाएगा। और गाइज आप और भी यहां पर लाइव वॉलपेपर्स देख सकते हैं, तो लाइव वॉलपेपर यहां पर बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं जो कि आप अपने रियलमी एक्स डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर गाइज आपको टूल्स के अंदर देखने को मिलता है कैलकुलेटर ऐप में जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका कैलकुलेटर एप्लीकेशन है छोटी सी विंडो में ऑन हो जाएगा एंड आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, साथ में इसके बैकग्राउंड को भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं एंड कैलकुलेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपको टू पैरेलल लाइंस नीचे देखने को मिलती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइन कोस टेन लोग अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स वगैरह भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डिफरेंट लेंथ एरियाज़ को यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और गाइज इस अपडेट के बाद आपको जो गूगल सर्च बार है वो नीचे दिखाई देगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड ऐप ड्रॉअर आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ दिखाई देगा एंड जो आपका वॉल्यूम स्लाइडर है वो आप देख सकते हैं, कुछ आपका स्टॉक एंड्रॉयड टाइप आपको वॉल्यूम स्लाइडर मिल जाएगा। और गाइज अगर आप पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिस्टार्ट करने के एनिमेशन है, पावर ऑफ करने के एनिमेशन है, रिस्टार्ट के आप देख सकते हैं ग्रीन एनिमेशन है, पावर ऑफ की रेड एनिमेशन एंड छोटा सा इसे बना दिया गया है एमरजेंसी SOS का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और गाइज इस अपडेट के साथ जो आपकी कैमरा एप्लीकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी UI चेंज कर दिया गया है, पहले लेफ्ट साइड में आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलते थे लेकिन अभी आप यहां पर देख सकते हैं 48 MP का यहां पर आपको मिलता है, मोर के अंदर आप जाएंगे तो टाइम लैप्स, स्लो मोशन ये सब ऑप्शन अभी आपको राइट साइड में मोर के अंदर यहां पर देखने को मिल जाएंगे, 240 FPS, 120, 960 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड गाइज फुल रिव्यू वीडियो भी जल्दी आएगी तो उसके लिए आप यहाँ पर चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस अगर हम बात करें थीम स्टोर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी थीम यहाँ पर आपको फ्री नहीं मिलती है, कोई भी थीम अगर आपको चेंज करनी है अपने डिवाइस में तो उसको आपको यहाँ पर सबसे पहले परचेज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे थीम्स आपको पेड देखने को मिलती है, तो थीम भी एंड फॉन्ट भी सारे आपको यहाँ पर पेड मिलेंगे, बस वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर फ्री मिलते हैं। तो रियलमी को अगर कम से कम थीम्स एंड फोन्स यहाँ पर अनलिमिटेड फ्री प्रोवाइड करने चाहिए जैसे कि शाओमी के डिवाइसेज में आपको मिलते हैं, तो बाकी देखते हैं दोस्तों रियलमी कब तक इसे यहाँ पर सोल्व करता है। नेक्स्ट चेंज गाइज आपको चार्जिंग एनिमेशन में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स टाइप आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएगी एंड बीच में आपको सर्कुलर में परसेंटेज देखने को मिल जाएगी एंड साउंड्स में भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज गाइज आपको सेटिंग्स के अंदर लास्ट में हीट अप क्लाउड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो अगर आप अपने डिवाइस का डाटा रिसेट करते हैं तो यहां पर जो फोटोज़ वीडियोज़ है अपलोड कर सकते हैं साइन इन करके एंड बाद में बैकअप यहां पर आप इजीली ले सकते हैं। और गाइज लास्ट में आपको रियलमी लैब का ऑप्शन मिलता है, तो ड्यूल मोड म्यूजिक शेयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो एक वायर वाली ईयरफोन आप लगा सकते हैं एंड ब्लूटूथ की हेल्प से एक वायरलेस ईयरफोन्स भी साथ में आप लगा सकते हैं एंड दोनों ईयरफोन्स में सेम टाइम पर एक ही ऑडियो यहां पर सुनाई देगा। तो रियलमी UI में यह भी फीचर प्रोवाइड किया गया है, गेम स्पेस का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गेम को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं जो गेम स्पेस के एनिमेशन है कुछ ऐसे आपको मिलती है, गेम स्पेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लेफ्ट या फिर राइट से कॉर्नर से स्वाइप डाउन करना है, बीच में आपको टाइम दिखाएगा, लेफ्ट में आपको बैटरी परसेंटेज दिखाएगा, अगर आपको व्हाट्सएप कंट्रोल करना है तो
तो सिंपली व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं पबजी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, एंड साथ में व्हाट्सएप पे भी आप यहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं। तो गाइस इस फीचर का बेनिफिट ये है कि अगर आप पबजी गेम प्ले कर रहे हैं एंड व्हाट्सएप पे अगर आपको चैटिंग करनी है तो गेम आपको ऑफ नहीं करना पड़ेगा, साथ में मैसेंजर भी आप यहीं पर छोटी सी विंडो में ऑन कर सकते हैं। तो ये वाला भी बेनिफिशियल फीचर आपको यहाँ पर फाइनली रियलमी यूआई के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज गाइस आपको वेदर एप्लीकेशन में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव एनिमेशन का फीचर फाइनली वेदर एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी वेदर कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली एनिमेशंस यहाँ पर आपको मिलेगी। अभी क्लाउडी है मौसम तो यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, रेनी सीजन में बारिश आपको दिखाई देगी, थंडर स्टॉर्म में थंडर स्टॉर्म की बिजली की एनिमेशंस आपको मिलेगी। तो ये वाला भी फीचर यहाँ पर रियल मी यूआई के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं 3D टच में कुछ न्यू ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और गाइस अगर हम बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स में, एंड यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। तो सिस्टम साउंड को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, तो आप जो इंटरनल साउंड है वो भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप इसको अनेबल करेंगे तो साथ में आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड फ्रंट कैमरा साथ में आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर आपको रियलमी यूआई के अपडेट के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट फीचर गाइज आपको सेटिंग्स में कन्वीनियंस टूल्स के अंदर मिलता है गेस्चर्स एंड मोशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, तो इसमें यहाँ पर चेंज किया गया है थ्री फिंगर से। अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो जो इसकी एनिमेशन है वो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप इसको स्लाइड डाउन करते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर गाइज आपको सेटिंग्स में कन्वीनियंस टूल्स के अंदर नेविगेशन बटन्स में मिल जाता है, वर्चुअल बटन्स आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप डिवाइस को लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हैं तो ये वाले बटन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप राइट हैंड से यूज़ करते हैं तो इन बटन्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गेस्चर्स यूज़ करना चाहते हैं तो एनिमेशन आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपको मिलेगी। बैक जाने के लिए लेफ्ट से स्वाइप कीजिए या फिर राइट से आप यहाँ पर स्वाइप कर सकते हैं, बैक आप यहाँ पर आ जाएंगे। और गाइस अगर आप होम स्क्रीन पर आना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर स्लाइड अप कर देना है, होम स्क्रीन पर आप यहाँ पर आ जाओगे स्लाइड अप करते ही। एंड गाइस अगर आपको रिसेंट बार में जाना है तो स्लाइड अप करके होल्ड करके रखिए, तो गाइस स्लाइड अप करके होल्ड करके रखिए आप रिसेंट बार में यहाँ पर आ जाओगे। तो कुछ इस टाइप से आपके गेस्चर्स यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट गाइस जो फ़ोन मैनेजर ऐप है कुछ इस टाइप से आपको मिल जाती है। अगर डिवाइस में कुछ थोड़ी बहुत लैगिंग हो रही है तो आप डिवाइस को स्कैन कर सकते हैं, साथ में वायरस स्कैन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, साथ में आप स्टोरेज को भी यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस जो सेटिंग्स में बैटरी का आप यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, यहीं से आप पावर सेविंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ फीचर्स आपको रियल मी एक्स डिवाइस में रियल मी यूआई के अपडेट के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप कौन कौन सी वीडियोज़ रियल मी एक्स के ऊपर देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।